रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णव गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अर्णव गोस्वामी और उनके चैनल और ग्रुप के खिलाफ रायपुर में दो अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई हैं। पहली एफआईआर पंचायत एवं ग्रामीण विकास स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दर्ज कराई है। इस एफआईआर में पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं वे सभी गैर जमानती हैं। वहीं दूसरी एफआईआर कांग्रेस के रायपुर जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे की शिकायत पर दर्ज की गई है। टीवी चैनल संपादक पर धार्मिक उन्माद फैलाने और कोरोना महामारी संकट के दौर में अशांति फैलाने का आरोप है। टीएस सिंहदेव और मरकाम ने पुलिस को किए गए शिकायत में कहा कि मंगलवार को रिपब्लिक भारत और उसके एडिटर अर्णव गोस्वामी ने एक डिबेट शो पूछता भारत में कहा कि हिंदू संतों की हत्या कर दी जाती है और सोनिया गांधी चुप क्यों है। बहुत से मीडिया भी चुप है। भारत में 80% इसी धर्म विशेष के लोग रहते हैं। ऐसे में हत्या के समय इटली वाली सोनिया चुप है। क्या अगर अन्य धर्म गुरुओं की हत्या होती तो सोनिया चुप रहती? अभी देश में हंगामा कर देती। सोनिया गांधी उर्फ आल्थो मानियो चुप है। क्या ऐसे में धर्म विशेष के लोगों को चुप रहना चाहिए? इटली वाली सोनिया गांधी इटली में रिपोर्ट भेजेंगी कि देखो मैंने महाराष्ट्र में सरकार बनाकर संतों की हत्या करवाई। एफआईआर में आगे कहा गया है कि अर्णब गोस्वामी ने पूरे देश को धर्म के आधार पर दंगा कराने के लिए उकसाया है। इससे पूरे देश में धार्मिक उन्माद पैदा हो गया है, धार्मिक तनाव पैदा हो गया है। जहां एक तरफ देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं इस तरह से नफरत कर वातावरण बनाया गया। इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तथा पूरे देश में रोष व्याप्त है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ ऐसे मानहानि वाले शब्द कहे गए हैं, वह सभी यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। रिपोर्ट पर पुलिस ने अर्णव गोस्वामी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।